नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, भाई अक्टूबर का ये महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस बार ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति, आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएंगे, ये आज हम महेंद्र से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आपके भाग्य के सितारे इस माह जो बदल रहे हैं क्या कुछ संकेत देंगे। धनुराशि वालों, आपकी राशि पर आए उससे पहले बता रहे हैं, जो हमारे न्यू दर्शक न्यू फॉलोअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बता रहे हैं कि ये राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के हिसाब से हम आपको राशिफल बताते हैं। ये राशिफल देखने का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा बता दें। इसमें सिर्फ आपका भविष्यफल ही नहीं बताया जाता है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो बताया जाता है, उपाय भी कार्यक्रम के अंत में बताए जाते हैं, और ये सलाह भी दी जाती है कि इस समय आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, कैसे आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो ये फायदे आपको इस राशिफल में देखने को मिलेंगे। चलिए आपकी कुंडली पर आते हैं। धनुराशि वालों, लगन में कोई ग्रह नहीं है, सेकंड भाव में गुरु शनि की युति है, और बता दें कि ये वो राशि है, साढ़े साथी के प्रभाव में है अभी ये राशि। पिछले काफ़ी समय से धनुराशि वालों ने बड़ा संघर्ष किया है। तीसरा, चौथा, पाँचवा भाव खाली, छठे में राहु, सातवां खाली, आठवें में चंद्रमा, नौवां खाली, दसवें में मंगल सूर्य, बहुत अच्छा योग है। भाग्येश दशम भाव में है, केंद्र में, एकादश भाव में शुक्र और बुध का महालक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग जब होता है तो बहुत ही लाभकारी, वो भी लाभ स्थान में, तो और भी अच्छा रहेगा। बारहवें भाव में केतु है जो कि आपकी धर्म कर्म में रुचि बना के रखेगा। तो धनुराशि वालों के लिए बात कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे अच्छे दिन आपके आने वाले हैं और अक्टूबर का महीना अत्यंत ही लाभकारी धनुराशि वालों के लिए रहेगा। यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अपने संग ढेरों खुशियां और सौगातें आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। और मुझे पता है अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाई फटाफट से बताइए इस महीने हमारे लिए क्या कुछ अच्छा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए धनुराशि वालों की हेल्थ जो है आमतौर पर इस महीने बड़ी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्र बुध की युति दशम में, केंद्र में सूर्य रहेंगे तो ऊर्जावान रहेंगे, पूरे महीने ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन छोटा सा इनको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, 16 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा सीजनल प्रॉब्लम इनको रहेगी, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो उतनी बेहतर नहीं रहेगी। राहु की जो 12वें भाव में दृष्टि है, सूर्य भी राशि परिवर्तन करके 16 राशि में आ जाएंगे, तो ये क्या रहेगा, आपको सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहना चाहिए। या तो आपको स्किन संबंधी रोग हो सकते हैं, स्किन डिसीजेस, कोई एक्ने, पिंपल्स वगैरह, इससे दो चार परेशान हो सकते हैं आप। दूसरा, सीजनल प्रॉब्लम जैसे वायरल फीवर हो सकता है या बॉडी एक हो सकता है, इस चीज़ की समस्या रहेगी। लेकिन कोई ज़रा गंभीर परेशानी नहीं है, ये कोई बड़ी ऐसी बीमारी ना तो बड़ा रूप लेगी और ना ही आपको इतना परेशान करेगी, तो आमतौर पर आप फिट रहेंगे। छोटी मोटी समस्या है उनका आप दवाई ले लेंगे तो सावधानी बरतेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में इस महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ मोहब्बत आप लोगों की ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है, या फिर देखिए आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए लव रोमांस के लिहाज से कविता जी के लिए बेहतरीन समय है, प्रेम संबंधों में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे जी, वैवाहिक जीवन भी बहुत मजबूत रहेगा, जीवन साथी को पूरा समय देंगे और जीवन साथी के साथ जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। तो प्रेम प्रसंग के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके रिश्तों में और मजबूती आने वाली है। बिल्कुल, और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते और जान लेते हैं भाई स्टूडेंट्स के लिए ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्योंकि देखिए कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स का जो पक्ष होता है वो लोग काफी बोलते हैं कि प्लीज आप हमारे लिए भी बताइए। तो आइए मैं जिसे जान लेते हैं कि इनके लिए ये महीना इनकी स्टडीज के लिए कैसा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए धनुराशि वालों, महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में ख्याति के योग हैं इस महीने, लाभ जबरदस्त मिलेगा शिक्षा में। उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं, देश के ही किसी दूसरे राज्य में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर मेहनत कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई अगर आपका इंटरव्यू इस महीने है, कोई टेस्ट है, चाहे रिटर्न टेस्ट हो चाहे आपका ऑनलाइन टेस्ट हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके काम काज को लेकर, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ
जॉब्स में है वहाँ कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ क्या आपकी प्रमोशन होने वाली है, अपना खुद का बिजनेस है तो उसमें कितना अच्छा कर पाएंगे, प्रॉफिट कितना होगा, कुछ नया करने की सोच रहे हैं नई इन्वेस्टमेंट के साथ तो क्या राइट टाइम है या नहीं, मैं इनकी से जानता हूँ। काम काज के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कभी कभी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी लगने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। व्यापारियों को शुक्र बुध की युति जबरदस्त लाभ देगी। सूर्य मंगल दशम भाव में बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये आपके लिए चांदी ही चांदी का समय है, तो भरपूर फायदा उठाइए धनुराशि वालों इस समय का। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, हमेशा मैं आपको बताती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके काम से ही आपका आर्थिक पक्ष जुड़ा होता है। काम करेंगे तभी कमा पाएंगे, कितना कमाएंगे, कितना सेव करेंगे और कितना जोड़ पाएंगे, घर गाड़ी लग्जरी लाइफ क्या जी पाएंगे, कैसा रहेगा सब कुछ, मैं जिसे कविता ये बताऊंगा कि इस महीने लाभ जो है चार गुना होगा। अब बहुत से दर्शक ये जानना चाहेंगे भाई मैं तो छोटी मोटी दुकान चलाता हूँ मेरे को कितना लाभ मिलेगा। देखिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जिस स्तर पर हम काम कर रहे हैं, जिस स्तर पर आपका बिजनेस है उसी स्तर पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या सपोज कोई रेडी ही लगाते हैं तो वहाँ पे इस महीने क्या होगा, आपकी सेल चार गुना बढ़ेगी। यानी कि अगर आप महीने में 20-25 हज़ार कमाते हैं तो हो सकता है इसमें लाख रुपया कमा लें, ये समझने का प्रयास करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहाँ रह के आप करोड़ों कमा लेंगे, ये बात समझिए। लाभ का स्तर आपके काम के स्तर पर डिपेंड करेगा कि किस लेवल पर आपका काम है। इस महीने जबरदस्त महाधनी राजयोग बना हुआ है तो लाभ जबरदस्त होगा आपके स्तर पर। अगर आपका कोई शॉपिंग मॉल है, आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, आपकी बड़ी इंडस्ट्री है तो ये लाभ कविता जी लाखों करोड़ों और अरबों में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र और बुध लक्ष्मी सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो लाभ ही लाभ होगा। तो डिपेंड करेगा कि आपका जो व्यवसाय जिस स्तर पर है, अगर आपका काम करोड़ों रुपए का है तो लाभ भी करोड़ों रुपए में होगा, अगर आपका काम हजारों में है तो लाभ भी हजारों में होगा, ये बात समझने का प्रयास करें। आपके अपने स्तर पर जो आपकी सेल है, जितनी आपकी सेल है उससे चार गुना तीन गुना लाभ यहाँ इस महीने आपको देगा। चलिए सब कुछ जाना, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स और देखिए लाभ कितना होने वाला है। लेकिन देखिए हमेशा इंसान ये जानने की कोशिश करता है कि यार कुछ कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाग्य क्या हम लोगों का साथ देगा, हमारे काम सफल हो पाएंगे या नहीं, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, तो आइए उसको लेकर जानते हैं कि भाग्य इस माह आपका कितना साथ देने वाला है। जबरदस्त राजयोग बने हुए, भाग्य 90% साथ है, यानी कि 90% जब भाग्य साथ देगा तो कविता जी सब कुछ हासिल किया जा सकता है जी। बहुत अच्छा समय है, भाग्यशाली योग है। देखिए इस महीने सफलता का आपका एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की। सब कुछ दिखा रही है कुंडली में, थाली परोसी भी रखी है खाने से, सिर्फ आपको खाना है, तो सिर्फ आपको यहाँ मेहनत करनी है, सफलता अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, यानी कि इस माह आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, बस पाना है आपको, सिर्फ उसके लिए आपको मेहनत देखिए करनी पड़ेगी। लेकिन आइए मयंक जी की कोई सलाह, मयंक जी अगर आप इन्हें देना चाहें इस महीने क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी सलाह यह है कि तो वाणी पर संयम रखें, वाणी स्थान पर शनि है जी, कभी कभी आप गलत शब्दों का चयन कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना। भाग दौड़ ज्यादा रहेगी इस महीने काम को लेके तो तनाव भी होना लाजमी है, मानसिक तनाव से बचें और इस चीज से आपको बचना चाहिए। बाकी अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उसका उपाय मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उपाय आपको क्या करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करें, केसर का तिलक लगाएं तो आपके लिए ये बेहतर साबित होने वाला है। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाजत। ये हमने आपको बताया कि भाई क्या कुछ कहता है आपका अक्टूबर का ये महीना, खास तौर पे धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और देखिए मयंक जी से कुछ भी पूछना है जानना है, नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट कीजिए सीधा। चलिए इसी के साथ नमस्कार।